क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बीसी। शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल इन विच एबी इज इक्वल टू एसी। तो मेरे को ये डायग्राम कुछ फिगर गिवन है, हमें ये चीज गिवन है कि एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एक तो ये एंगल 90 डिग्री है, दूसरी चीज इसको बाइसेक्ट भी कर रही है, मतलब ये बीडी इज इक्वल टू डीसी। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी और आई कैन से ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो नाउ कंसिडरिंग ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू ए डी, कॉमन साइड है, कॉमन साइड। ठीक है, एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमें गिवन एंगल बाय सकते हैं, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। नाउ बी डी इज इक्वल टू डी सी, आई कैन से एज ए डी इज परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ बीसी। ठीक है, बोल सकते हैं। तो अब ये बताओ, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, ये इनके बीच वाला एंगल बराबर है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, प्रूव हो गया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं यहां से ये चीज भी बोल सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, दैट इज कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें यही चीज प्रूव करनी चाहिए। अगर ए बी ए सी के बराबर है, आई विल से ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, यही चीज हमें प्रूव करनी थी।